व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थानी बेसन गट्टे की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसन गट्टे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे गट्टे। इसके लिए हमने लिया है 1 कप बेसन, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ जीरा। गट्टे को सॉफ्ट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है घी, इसलिए हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तेल और 3 बड़े चम्मच दही। सारे मसालों को दही के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आटा भूनने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दही की मदद से हम आटे को भूनेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें पानी डालने जैसा है तो आप इसमें सिर्फ 2 छोटे चम्मच पानी डाल सकते हैं। हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। हमने यहाँ पर आटा गूंथने के लिए बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। अब हम इसके गट्टे बना लें। हमारे आटे को ऐसे 4 बोल्स में डिवाइड कर लिया था। अब हम इसको हाथ की मदद से ऐसे रोल करते रहेंगे। हमने गट्टे के आटे को रोल करके ये शेप दिया है। अब हम इनको बॉईल करेंगे। हमने गट्टों को बॉईल करने के लिए यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है। पानी अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए इसके बाद हम इसमें गट्टे डालेंगे। गट्टे डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हमारे गट्टे उबल चुके हैं। अब हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। हमने गट्टों को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल गर्म होने के बाद अब हम इसमें गट्टे डाल देंगे और इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे गट्टों का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे। गट्टों को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तकरीबन 4 टेबलस्पून तेल लिया था। अब हम इसी तेल में गट्टे की ग्रेवी तैयार करेंगे। अब इस तेल में हम ऐड कर देंगे मीडियम साइज की कटी हुई 2 प्याज और प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम दही में हमारे सूखे मसालों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी में 2 बड़े चम्मच दही ली थी, उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। यहाँ पर नमक हम कम ऐड करेंगे क्योंकि हमने गट्टों में भी नमक ऐड किया था। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इन मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी प्याज और टमाटर अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और दही में बनाया हुआ पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसको पकते हुए हिलाते रहेंगे। हमारे मसालों की ग्रेवी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ध्यान रहे कि हम इसमें वही पानी ऐड कर रहे हैं जिसमें हमने गट्टों को बॉईल किया था। हमारे पानी को उबलते हुए 10 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें हमारे फ्राई किए हुए गट्टे ऐड कर देंगे। बाद हमारी गट्टे की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और वक्त है इसमें तड़का लगाने का। तड़के के लिए हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी को गरम करके उसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड किया था।
यहाँ पर हम ऐड करेंगे भुनी हुई कसूरी मेथी और इसको सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी बेसन गट्टे की सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी राजस्थानी बेसन गट्टे की सब्जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।